भोग आसक्ति कैसे छूटे, चलिए शुरुआत करते हैं। श्रोता, जब भोग पदार्थ सामने आते हैं तब न जाने क्यों हम विचलित हो जाते हैं, अतः उस समय हम क्या करें? स्वामी जी, जिसने लाठी चलाना पहले ही सीख लिया है वही शत्रु के सामने आने पर उससे मुकाबला कर सकता है, परंतु शत्रु पहले ही सामने आ जाए और लाठी चलाना सीखा नहीं, वहां तो लाठी खानी ही पड़ेगी। सत्संग की बातों को तो आप जानते हैं, पर जब भोग सामने आते हैं तब उन बातों को भूल जाते हैं, वे बातें काम नहीं आती। तब लगी सब ही मित्र हैं, जब लगी परियो न काम। हेम अगन शुद्ध होत है, पीतल होवे श्याम। जब तक काम नहीं पड़ता तब तक सब ही मित्र हैं। काम पड़ने से ही पता लगता है कि कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं है। सोना भी पीला दिखता है और पीतल भी पीला दिखता है, परंतु आग में रखने पर सोना तो चमकता है और पीतल काला हो जाता है। एक सीखी हुई बात होती है और एक जानी हुई बात होती है। जानी हुई बात वास्तविक होती है जो कभी इधर उधर नहीं होती। सीखी हुई बात बुद्धि तक ही रहती है, स्वयं तक नहीं पहुंचती, परंतु जानी हुई बात स्वयं तक पहुंचती है। जब तक कोई बात स्वयं तक नहीं पहुंचती तब तक वह व्यवहार में जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आती। जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है उसको सीखी हुई बातों में संतोष नहीं होता। संतोष न होने से उसके द्वारा खोज होती है कि वास्तव में क्या बात है। खोज करते करते उसको तत्व का अनुभव हो जाता है। एक सत्संग होता है और एक कथा वार्ता, पुस्तकों का विवेचन आदि होता है। कथा व्याख्या आदि की बातें तो बहुत जगह मिलती है, पर अनुभवी भगवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग कम जगह मिलता है। अनुभवी महापुरुष पहले सत्य, त्रेता और द्वापर में भी कम थे, आज तो और भी कम है। आज तो विद्यार्थी भी ठीक तरह से शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, कोरी परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। पूछो तो बता नहीं सकते, जो पढ़ा है वह भी नहीं बता सकते। फिर वास्तविक ज्ञान तो बहुत दूर रहा। हमारी प्रार्थना है कि आप वास्तविक तत्व को समझे, कोरी पढ़ाई न करें। जब भोग सामने आते हैं तब सब सुनी सुनाई बातें रद्दी हो जाती है। एक कहानी है, एक पंडित थे, वे रोज रात्रि में कथा किया करते थे। उन्होंने एक बिल्ली को पालकर सिखा रखा था। वे बिल्ली को बैठा कर उसके सिर थोड़ी मिट्टी रखकर दीपक रख देते और उस दीपक के प्रकाश में कथा बांधते। कोई कहता कि हमारा मन ठीक नहीं है तो वे कहते, अरे ये बिल्ली ही ठीक है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है, तुम्हारी क्या बात है। एक आदमी ने विचार किया कि देखें बिल्ली कैसे चुपचाप बैठती है। वो दूसरे दिन अपने साथ एक चूहा ले गया। जब पंडित जी की कथा चल रही थी उस समय उसने चूहे को बिल्ली के सामने छोड़ दिया। चूहे पर दृष्टि पड़ते ही बिल्ली उस पर झपट पड़ी और दीपक गिर गया। यही दशा आदमियों की होती है, बातें सुनते समय तो चुपचाप बैठे रहते हैं, पर जब भोग पदार्थ सामने आ जाए तो फिर वश की बात नहीं रहती। कारण कि पितर में रुपयों आदि का आकर्षण है, इसलिए रुपये सामने आने पर मुश्किल हो जाती है। भोगों का यह आकर्षण पहले नहीं था, यह बात नहीं है। आकर्षण तो पहले से ही था पर वह दबा हुआ था। तांबे कड़े के ऊपर सोने की पॉलिश कर दी जाए तो कड़ा सोने का ही दिखता है। इसी तरह सीखी हुई बातें पॉलिश की तरह होती है, परंतु जानी हुई अनुभव की हुई बात ठोस होती है, जिसके भीतर में स्वयं का अनुभव होता है। उसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए वह विचलित नहीं होता, वह हर परिस्थिति में झोंका त्यों रहता है। परमात्मा की प्राप्ति को लोग कठिन मानते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत भोग आसक्ति का त्याग कठिन है। भगवान ने कहा है, जिनकी भोग और संग्रह में आसक्ति है वे परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय भी नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करना तो दूर रहा, हमें परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है।
अपना कल्याण ही करना है, ये बात उनमें दृढ़ नहीं रहती है। अतः जब तक भीतर में भोगों का आकर्षण महत्व बना हुआ है, तब तक बातें भले ही सीख जाएं, पर परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते। जब निश्चय ही पक्का नहीं रहेगा तो फिर परमात्म प्राप्ति होगी ही कैसे। अगर आप जड़ असत क्षणभंगुर पदार्थों से ऊंचे उठ जाओ तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। जो स्वतः सिद्ध है उसको प्राप्त करने में क्या कठिनता है? कठिनता यही है कि जो नहीं है उसमें आकर्षण हो गया है। कि प्राप्ति कठिन है, नहीं का त्याग करना कठिन है। जब नहीं का भी त्याग करना नहीं कर सकते तो फिर और क्या त्याग करोगे? आश्चर्य की बात है कि आप जाने हुए असत्य का त्याग नहीं कर सकते। जिनको जानते हो कि ये असत्य है, नाशवान है, सदा साथ रहने वाले नहीं हैं, आने जाने वाले हैं, उनका भी त्याग नहीं करते, यह बहुत बड़ी गलती है। असत्य का आकर्षण कैसे छूटे? इसके लिए कर्मयोग का पालन करें। गीता में भगवान ने कर्मयोग की बात विशेषता से कही है और उसकी महिमा गाई है। कर्मयोगो विशिष्टते। कर्मयोग की बात गीता में जितनी स्पष्ट मिलती उतने अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। कर्मयोग का तात्पर्य है दूसरों को सुख देना और बदले में कुछ भी न चाहना। माँ बाप को सुख देना है, स्त्री पुत्र भाई भतीजे को भी सुख देना है, पड़ोसियों को भी सुख देना है, सबको सुख देना है। इसको काम में लाओ तो असत्य का आकर्षण छूट जाएगा। किसी तरह से दूसरों को सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, ऐसा जो भाव है यह बहुत दामी चीज है, मामूली नहीं है। अगर आप चाहते हो कि विषय सामने आने पर हम विचलित न हो तो इस सिद्धांत को पकड़ लो कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो। वस्तु मेरे पास हरदम नहीं रहेगी, अतः दूसरे के काम आ जाए तो अच्छा है। ऐसा भाव होने से सबके हित में रत्ती हो जाएगी। जब दूसरों के हित में आपकी रत्ती प्रीति हो जाएगी तब भोग पदार्थ सामने आने पर भी उनका त्याग करना सुगम हो जाएगा। परंतु मेरे को कैसे सुख हो, मेरे को सम्मान कैसे मिले, मेरी बड़ाई कैसे हो, मेरी बात कैसे रहे, मेरे को आराम कैसे मिले, यह भाव रहेगा तो त्रिकाल में भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भाव रखना पशुता है, मनुष्यता नहीं है। दूसरे के हित का भाव होने से आपके सुख भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भोग आसक्ति कैसे छूटे का स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।